9 मार्च 2007 को उस वक्त के सदर मुमलिकत परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को गैर फाल किया, जिसके बाद मुल्क गिर अदलिया बहाली तहरीक शुरू हुई जिसने रुख किया 12 मई को कराची का। कराची में जहां अदलिया बहाली तहरीक को वेलकम करने वाले सड़कों पर थे, वहीं उसके मुखालिफ एमकेएम भी मैदान में थी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कराची पहुंचे लेकिन उन्हें एयरपोर्ट तक महदूद कर दिया गया। इसी दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी जमातें और वकला आमने सामने आ गए। फिर 12 मई 2007 को कराची में वो हुआ जो पहले कभी न हुआ था। पूरा शहर यरगमाल बना लिया गया। जगह जगह रुकावटें, हंगामे, जलाओ घेराव और फायरिंग ने शहरियों को घरों तक महसूर कर दिया था। शहर की शहरग शारा फैसल पर सबसे ज्यादा हलाकतें हुई। फायरिंग के वाकयात में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 50 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दर्जनों गाड़ियां जला दी गई और इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन 11 साल बाद भी इस सानहे के असल जिम्मेदारों का तायुन नहीं हो सका।